पिछले कुछ दिनों से जागृति हमें सफाई से संबंधित उपयोगी बातें बता रही है। इसी क्रम में आज वो हमें कचरों के प्रकार और उनकी उपयोगिता के बारे में बताएगी। हम नित्य अनेकों वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जब कोई वस्तु हमारे काम की नहीं रहती है तो हम उसे कचरा कहते हैं। मगर खास बात यह है कि हर एक वस्तु इस्तेमाल के बाद भी किसी न किसी रूप में उपयोगी होती है। इस तरह से देखा जाए तो कचरे जैसी चीज ही नहीं होती है। खैर, कचरे की उपयोगिता मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम कचरे के प्रकार को जान लें। कचरे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठोस व तरल। जैसे फटे पुराने कपड़े, सफाई के बाद बचे गंदे पानी, बचा हुआ खाना इत्यादि। पहले हम ठोस कचरे के संदर्भ में बात करते हैं। ठोस कचरे भी दो तरह के होते हैं। एक तरह के कचरे वो होते हैं जो भूमि में आसानी से मिल जाते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, सड़ी हुई व सूखी सब्जियां, फल, बचे हुए जूठे पकवान, कागज, अन्य खाद्य पदार्थ इत्यादि। इन कचरों का कंपोस्ट या खाद बनाया जा सकता है। यह खाद पेड़ पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरे तरह के कचरे जैसे पॉलिथिन, लोहे इत्यादि भूमि में काफी समय के बाद मिलते हैं। इनसे खाद नहीं बनाया जा सकता, परंतु इन कचरों का भी पुनः इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शीशे को गलाकर बॉटल बनाई जा सकती है, टीन को गलाकर या पीटकर कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। पुराने कागज जो फटे मचोड़े ना हो, उन्हें फिर से काम में लाने के लिए कबाड़ी को बेचा जा सकता है। फटे मचोड़े कागज जो कबाड़ी नहीं लेते हैं, उन्हें कंपोस्ट बनाने के काम में लाया जा सकता है। तरल कचरे भी कम लाभदायक नहीं होते। रसोई घर में इस्तेमाल हुए पानी जिसमें साबुन या अन्य रसायन ना मिला हो, उसे पौधों को सींचने के काम में लाया जा सकता है। इसके अलावा हैंडपंप का पानी सींचने के काम आ सकता है। शौच से निकला हुआ पानी जो नाली में बहता है, उसे भी क्रमानुसार स्वच्छ करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बच्चों, आज हम लोग स्कूल कैंपस में एक गड्ढा करेंगे और जैसा जागृति ने बताया, हम अपने सभी खाद्य पदार्थ के कचरों को उसी में फेंकेंगे। इसके अलावा हम पेयजल टैंकी के नल के नीचे से एक नाली बनाकर बगीचे तक ले जाएंगे, जिससे पौधों की सिंचाई हो सके। ध्यान रहे चौकीदार चाचा, गड्ढे को मैदान के ढलान वाले हिस्से में नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो बरसात का पानी इसमें भर सकता है। और इन गड्ढों को तार से घेर देना चाहिए, नहीं तो बच्चे इसमें गिर सकते हैं। लो बच्चों, गड्ढे भी तैयार हो गए और नाले के जरिए बगीचे को सींचने का उपाय भी निकल आया। वाह चौकीदार चाचा, तुमने बड़ी जल्दी गड्ढे और नाली बना दी। चलो पहले हम कचरे से खाद बनाने की शुरुआत करते हैं। कचरे को खाद में तब्दील होने में 5 से 6 महीने लगते हैं। ध्यान रहे, टॉफी या बिस्किट के रैपर या पॉलिथिन हमें उस गड्ढे में नहीं फेंकने हैं। हमें हर दिन उसमें मिट्टी और पत्तों की एक परत लगा देनी चाहिए। इससे कचरे बदबू नहीं करेंगे और मक्खियां नहीं आएंगी। गड्ढे के नाप और अन्य जानकारियों के लिए तकनीकी विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। हम कुछ महीनों तक पहले वाले गड्ढे में कचरे भरेंगे, फिर उसे ढक कर छोड़ देंगे और दूसरे वाले गड्ढे में कचरे डालना शुरू कर देंगे। इस तरह हम जब तीसरे गड्ढे में कचरे डाल रहे होंगे, तब तक पहले वाले गड्ढे के कचरे खाद बन चुके होंगे। वो खाद हम निकाल लेंगे और फिर से उसमें कचरे डालना शुरू कर देंगे। इस तरह से ये चक्र चलता रहेगा। अरे यह क्या? ये यहाँ के कचरे फेंकने का स्टाइल है। यह तो बड़ा अजीब तरीका है।
देखो, इस तरह कचरा जमा रहना बीमारी को निमंत्रण देना है। डायरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया और पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। परंतु तुमने तो कहा था कि जमा कचरे से खाद बनता है। उल्लू, सभी कचरे से खाद थोड़े ना बनता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो शमा। यहाँ पर सही तरीके से गड्ढे बनाकर यदि खाद्य पदार्थ के कचरे को डाला जाए तो खाद अवश्य बनेगा। क्या हम सही में कचरे का उपयोग कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी हम सभी कचरों को एक साथ इधर उधर फेंकते हैं। इससे गंदगी फैलती है, वातावरण बदबूदार हो जाता है, नालियां जाम होती हैं और बीमारियां फैलती हैं। हमें कचरे का सदुपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए आपको घर के कचरे को दो भागों में बांटना होगा। एक खाद्य पदार्थ के कचरे, जैसे सब्जियों के छिलके, सड़ी हुई व सूखी सब्जियां या फल और बचे हुए जूठे पकवान। और कागज भी? हाँ, दूसरे बाकी कचरे जैसे टीन, लोहा, शीशा इत्यादि, इन कचरों को आप सरकारी कूड़ादान में या कबाड़ी को बेच सकते हैं। खाद्य पदार्थ के कचरे और फटे मचोड़े कागज को इस गड्ढे में डालना होगा ताकि वो खाद बन सके। अच्छा, तो इस खाद से क्या हम फल फूल व सब्जियां उगा सकते हैं? हाँ हाँ, और क्या, और आप इसे बेच भी सकते हैं। वाह, हम आज से ही ये काम क्यों ना शुरू कर दें। इसके अलावा हम सब हैंडपंप से पानी भरने के दौरान जमीन पर गिरने वाले पानी को भी पौधों को सींचने के काम में ला सकते हैं। सड़कों की नालियां हमेशा ढकी रहनी चाहिए और उसकी सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए। हम अपने लखनपुर के नेताजी को कहकर ये काम करवा सकते हैं। अच्छा, ये बात है, तो हम कल ही उनसे आग्रह करेंगे। हम सरकारी कूड़ेदान को भी नियमित सफाई कराने का आग्रह करेंगे। अगर वो ये सभी काम नहीं करते तो अगली बार हम उन्हें वोट नहीं देंगे। आप लोगों की सोच बिल्कुल सही है। शमा, जैसे तुमने कहा था, रसोई घर में इस्तेमाल पानी को मैंने गमले में डाल दिया। इसके अलावा मैंने कचरों को दो भाग में बांट दिए। खाद्य पदार्थ से निकले कचरे और कागज को मैंने वो हरी वाली दानी में डाल दी। बाकी कचरे को मैंने उस कोने में पड़ी दानी में डाला। वैसे अब तुम इनका करोगी क्या? खाद बनेगा खाद। अरे, ये चित्र तो मैंने कुछ साल पहले स्कूल कॉम्पिटिशन में बनाया था। टॉपिक था मेरे सपनों का लखनपुर। चलो मिट्टू, अब हम इन कचरों को सही जगह पर फेंक कर आते हैं। ये देखो, इसे मैंने स्कूल कॉम्पिटिशन में कुछ साल पहले बनाया था। अरे, ये पेंटिंग तो बिल्कुल आज के लखनपुर जैसी है। हाँ, इसे देखकर लगता है साफ और स्वच्छ लखनपुर का हमारा सपना आज पूरा हुआ। बच्चों, तुम भी अपने स्वच्छ मोहल्ले के सपने पूरे क्यों नहीं करते? हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम सभी तुम्हारे साथ हैं।